मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगर अंदर बात करें तो हम पिछले 3 लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया, और कल हमने जैसे डिस्कस किया था फराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज उसके बारे में जो हमने कल मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे उसके, आज उस पर न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा आप फोकस कर सकते हो कि कौन से न्यूमेरिकल किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से नहीं, तो उन पे थोड़ा फोकस करते हुए अब हम न्यूमेरिकल यहाँ स्टडी कर रहे हैं। आज मैं आपके पास 5, 7, 8 न्यूमेरिकल कराऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम लिख सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास न्यूमेरिकल है, सबसे पहले आपके पास एक सॉल्यूशन है जो ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन किसके, कहते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट। तो व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आपने क्वेश्चन लिया है कि एक सॉल्यूशन है आपके पास निकल नाइट्रेट का, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है बिटवीन किसके, कहते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जहाँ यूज किया है करंट कितना 5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए 20 मिनट के लिए, तो उसका मास ऑफ निकल जो डिपॉजिट होगा एट ए कैथोड वो कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी, अगर मैं बात कर सकता हूँ सीबीएसई से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो मास का मतलब आपके पास वेट की बात कर रहा है, वेट की अगर बात करते हैं तो वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, कि वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। ये क्या हो गया आपके पास, टाइम हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, आई हो गया। यहाँ आ जाएंगे आपके पास, हमें निकालना क्या है, डब्ल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि आपके पास गिवन दैट, तो सबसे पहले आप लिखिए गिवन दैट कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। तो आपके पास आई गिवन है, करंट 5 एम्पियर दे रखा है आपके पास। आपके पास टाइम गिवन है 20 मिनट दे रखा है आपके पास, इसको सेकेंड में भी चेंज कर लेंगे हम। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड किस पे, एट ए कैथोड। तो आपको याद कराऊं तो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, तो आप कहोगे सर वी नो दैट क्या होगा, W इज इक्वल टू आपके पास था Q अपॉन में 96500 इंटू में मोलर मास और अपॉन में वैलेंसी। ये फार्मूला हम लोग पढ़ के आए थे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ तो आप यहाँ पर रख सकते हो क्यों क्या था आपके पास, I इंटू में T, करंट आपके पास दे रखा है, टाइम आपके पास दे रखा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ईजिली। तो मेरे पास क्या रखना है मुझे सर, आपके पास W था तो W आपके पास निकालना है, तो W निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप रख सकते हो सर W है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो Q मेरे पास क्या है, I इंटू में T, I मेरे पास कितना दे रखा है 5 एम्पियर, टाइम मेरे पास कितना है 20 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास कि निकल का, अगर मैं मोलर मास यहाँ से लेके चलता हूँ तो निकल का मोलर मास की अगर बात करें तो ये मेरे पास हो गया 96500, ये वैल्यू होगी वैलेंसी। निकल आपके पास कितना दे रखा है, निकल नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हो तो आपके पास दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा निकल डाइपॉजिटिव आयन और एक मिलेगा 2 moles ऑफ नाइट्राइट आयन, NO3-, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यहाँ रख देंगे आपके पास 58 इसका मोलर मास रख देंगे, यहाँ पर आपके पास 2 इसकी वैलेंसी रख देंगे। आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे कि इससे ये वैल्यू, इससे ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ से आपके पास टोटल अगर लोग फाइंड आउट करते हो तो ये आपके पास यहाँ 3, यहाँ से आएगा 1.825, ये आपके पास क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा आपके पास किसका, जो डिपॉजिट हुआ है किस पे, कैथोड पे। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको नोट कर सकते हो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर्स, यानी आपके पास क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इट टेक टू रिड्यूस 3 mole iron 2 positive to iron 2 positive, यानी फेरिक टू फेरस। अगर आपके पास आयरन फेरिक से फेरस पे कितने मोल की बात कर रहा है, 3 मोल, कब का कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपके पास टाइम तो निकालना है हमारे पास,
कितना करंट एम्पियर आपके पास सो कर रखा है, कितना टू एम्पियर आपके पास करंट यहाँ पे यूज हुआ है, कितने को रिड्यूस करने के लिए, तीन मोल को यहाँ से यहाँ रिड्यूस करने के लिए, कि अगर मेरे पास तीन मोल आयरन है और इस तीन मोल आयरन को अगर मैं यहाँ पर बदलूँ आयरन टू पॉजिटिव में तीन मोल, राइट, तो कहता है कि यहाँ पर कितना टाइम आपको लगेगा, यानी आप सबको पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू में टी, और अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ Q और I की बात करूं तो मेरे पास यहाँ क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। तो पहली बात मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे चार्ज निकालना है। अब चार्ज निकालने के लिए मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि भाई यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो उससे एटलीस्ट मुझे चार्ज का पता लग जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को चार्ज का टोटल डाटा चाहिए। अगर आप सिंगल देखोगे कि भाई एक मोल की बात करते हो, यहाँ से यहाँ आओगे तो आप देख रहे हो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किया होगा, तो सिंपल सी बात है एक मोल के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ है, और वन इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है, वन फराडे, यानी आपके पास 96,500। और अगर मैं बात करूँ तीन मोल के लिए तो ये कितना हो जाएगा, थ्री फराड, थ्री फराड का मतलब कितना होगा, थ्री से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्लियर है। आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो, ये आपके पास कैलकुलेशन कितना आएगा, तो आएगा आपके पास 28,95,00, यानी आपके पास 289,000 सॉरी 89,500, यानी 289,500, क्लियर है। ये आपके पास क्या निकल जाएगा, चार्ज, मेरे पास टाइम दे रखा है, आप सीधा पुट कीजिए 289,500, ये आपके पास क्या होगा, आई कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास सेकेंड आ जाएगा, और सेकेंड को आप आवर्स में चेंज कर सकते हो। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और करके देख सकते हो इजीली, आपके पास डाटा भी मिल जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा भाई कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो ये करीब करीब आएगा आपके पास 144,750, अगर मैं इसको घंटे में चेंज करूँगा तो करीब करीब मेरे पास 40 आवर्स, यानी आपके पास कितना आएगा, 40 आवर्स आपके पास मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिल्वर इज इलेक्ट्रोलाइज या इलेक्ट्रो डिपॉजिट है ऑन किस में, कहते हैं मेटेलिक वेसल ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज 900 सेंटीमीटर क्यूब बाई यूजिंग ए करंट 0.5 एम्पियर, किसके लिए है, कब तक, 2 घंटे तक के। फिर कह रहा है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट हुआ है और जिसकी डेंसिटी आपके पास दे रखी है सिल्वर की 10.5। क्वेश्चन को फिर देख लीजिए एक बार, मैंने आपसे कहा था इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में सीबीएसई भी दे देती है ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अब इस पेन पे मैंने कोटिंग लगा रखी है, अगर आप देख रहे हो तो इस पेन पे भी आपके पास कोटिंग है, या हमने कोई भी रॉड ले ली, गाड़ी ले ली, सब पे कलर कोटिंग होती है। तो उस कलर कोटिंग में जितना अमाउंट ऑफ, आपने देखा होगा हर गाड़ियों में जब हम लोग गाड़ी पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए आती है तो उसका जो मेन पार्ट होता है, जो बॉडी बनती है, उस बॉडी पे इलेक्ट्रोलाइट प्लेटिंग होती है, यानी उस पर आपके पास अगर देखोगे तो वहाँ आपके पास उसमें कोटिंग की जाती है आपके पास। तो उस कोटिंग की ही बात हो रही है यहाँ पे कि हमने आपके पास क्या किया है, सिल्वर को इलेक्ट्रो डिपॉजिट किया है एक मेटेलिक वेसल के अंदर जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूजिंग द करंट, वहाँ जो करंट अप्लाई हुआ वो 0.5 एम्पियर हुआ है, और 2 घंटे के लिए उसको उसमें रखा गया था आपके पास, तब जाके वो थिकनेस यहाँ पर डिपॉजिट हुई थी जिसका डेंसिटी आपके पास दे रखा है। तो कल मैंने जिक्र किया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास डेंसिटी या थिकनेस निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने एक फार्मूला यूज़ किया था कि डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास चार्ज इंटू में हाँ जी स्टूडेंट, देखिए आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल है कि सिल्वर आपके पास एक इलेक्ट्रो डिपॉजिट कर रहा है ऑन द मेटेलिक इलेक्ट्रो या मेटेलिक वेसल ऑफ टोटल सरफेस एरिया जिसका दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई यूजिंग द करंट 0.5 एम्पियर फॉर 2 आवर्स एंड कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर। अब देखिए बात आ गई वही थिकनेस ऑफ सिल्वर कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है उनकी बात हो रही है, वो भी किसकी पर फॉर्म में, कहता थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। अब थिकनेस की बात आती है तो कल हमने एक फार्मूला मॉडिफाई किया था कि जहां आपने लिखा था कि W इज इक्वल टू क्या था, क्यू 96,500 और मोलर मास अपॉन में वैलेंसी,
तो मास ऑफ द सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा था या लिबरेट कर रहा था, अगर मेरे को उसको डेंसिटी के फॉर्म में निकालना था तो हमने रखा था ए इंटू में एक्स इंटू में डी। डी आपके पास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ए आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, एक्स आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट था, इसको हमने एक्स माना है। अब ये एक्स निकालना है आपके पास, तो गिवन क्या क्या है ये अगर हम लोग ढंग से देख ले तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वैल्यू आपके पास सामने है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो कल मैंने इसीलिए जिक्र किया था इस फार्मूले का कि अगर ये फार्मूला मुझे डायरेक्ट याद है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग निकालने की, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करने की, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास एरिया है 900, एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, डेंसिटी मेरे पास 10.5 दे रखी है, चार्ज मेरे पास आई इंटू में टी होता है तो आई मेरे पास दे रखा है 0.5 और टाइम आपके पास दे रखा है 2 आवर्स तो 2 इंटू में 360, ये आप रख लेना, ठीक है, क्योंकि आप पहले उसको आर को मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपके पास मास दे रखा है तो सिल्वर का मास 108 होगा और अपॉन में 96,500 और इंटू में वैलेंसी तो कितनी होगी सिल्वर की, 1 होगी। तो ये आपके पास फॉर्म निकलता है, तो आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ से एक्स आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपका काम सिर्फ क्या रह गया, कैलकुलेशन करना। अगर आप ढंग से कैलकुलेट करोगे तो कोई बात दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना, आपके पास सारी वैल्यू इधर आएगी या आपके पास इन वैल्यू के इधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप कहोगे आपके पास 0.5 इंटू में 2 इंटू में 360 600 0 1 0 8 9 6 5 0 0 1, ये दोनों वैल्यू आपके पास यूज़ करते हैं, तो इन दोनों के वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि आपके पास क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 900 और ये हो गया आपके पास 10.5। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको ईजिली, आइडेंटिफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू कितना, 4 ले लेते हैं नियर बाय, थोड़ा सा अंदाजा रहेगा, तो 4.26 इंटू में 10^-5 कैलकुलेशन है, पहले करी हुई है तो थोड़ा सा याद है कि ये आपके पास इतने सेंटीमीटर्स की थिकनेस हो जाएगी, जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी किसकी, थिकनेस ऑफ सिल्वर की यानी एक्स की। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि देखो इसमें लेबर कुछ नहीं है, लेबर सिर्फ किसकी है, लेबर सिर्फ है कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन अगर थोड़ा ठीक से हो जाता है, नियर बाय ठीक से हो जाता है, तो ये है कि एग्जैक्ट आंसर आने के बाद MCQ में थोड़ी सी दिक्कत ना आए। हालांकि अगर थ्योरेटिकल कर रहे हैं तो कोई ऐसी परेशानी आएगी नहीं, अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आपके पास मार्क्स उसके पूरे मिलते हैं, बट MCQ में थोड़ा सा एक्यूरेसी मेरे को चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्यूरेट आंसर लिखा है 4.26 × 10^-4 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आप इसको टैली करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास MCQ है AIPMT 2008 का और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने AIPMT में बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस भी ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो अभी रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं, प्लस टू का एग्ज़ाम दे के निकले हैं, और उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने PMT में बहुत आते हैं, आगे मैं डिस्कस करूँगा IIT के भी और एडवांस के भी। तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये लिखा है साफ कि वेन 0.1 मोल आपके पास MnO42 नेगेटिव, हमारे पास दो तरह के आयन होते हैं, परमैंगनेट आयन और मैग्नेट आयन, इज ऑक्सीडाइज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू, किसमें कहता है ऑक्सीडाइज द मैग्नेट टू परमैंगनेट आयन। तो मेरे पास कह रहा है कि भाई MnO42 नेगेटिव है, ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ पहुँच जा रहा है, MnO42 नेगेटिव में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है तो आपके पास क्वांटिटी क्या है, तो इन्होंने कहा भाई 0.1 मोलर जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो आपके पास दे रखी है MnO42 नेगेटिव की, ये आपके पास बना रहा है MnO42 नेगेटिव, इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, 1 फराड। तो कह रहा है कि अगर आपके पास 0.1 का मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो कितना होगा, तो इंटू में आपके पास 1 फराड। तो वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, तो 0.1 इंटू में 96,500, तो वैल्यू क्या बनी आपके पास 96,000 यानी आपके पास 9650
कूलम्स की 9650 की अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखो, अब यहाँ पर जो AIPMT के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था और CBSE के क्वेश्चन के बारे में, जो CBSE का क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड लेवल का और जो आता है अपने AIPMT लेवल का, इनका लगभग लगभग जो पोर्शन है वो सिमिलर है। अगर जो बच्चा इनको क्लेरिफाई कर जाएगा ना तो ये मान के चलो उसके क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इस क्वेश्चन में देखिए सिर्फ लिख रखा था कि भाई आपका 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। अगर मैं बात करूँ तो सीधा वन वर्ड का क्वेश्चन था, क्योंकि चार्ज देखते कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का ही आपके पास चेंजेस था, तो एक इलेक्ट्रॉन की चेंजेस थी तो सिंपल सी बात है वहाँ ऑब्वियसली कि भाई जो चार्ज यूज़ हो रहा होगा वो वन फ्राड यूज़ हो रहा होगा। अब जनरली बच्चे वन फ्राड को देख के तो यहाँ पर सीधा करते हैं वन फ्राड इसको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपके पास क्या, ये आंसर था हमारे पास डी। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके पास कैलकुलेशन में या आपके पास रफली इसको करना चाहेंगे तो उनके आंसर निकलते नहीं है, तो कैलकुलेशन में है थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें आपके पास कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं और इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको AIPMT मिलेंगे, आप लगभग लगभग 10 साल के क्वेश्चन तो जरूर करिए, कुछ करिए चाहिए नहीं करिए, 10 साल के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, इस क्वेश्चन पर आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपके पास ना एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन है कि 2/3 Al2O3 है, ये डिकम्पोज होकर 4/3 एल्युमिनियम और ऑक्सीजन बना रहा है, आपको इसका एन फैक्टर बताना है और एन फैक्टर बता के कमेंट बॉक्स के नीचे इसका आंसर आपको लिख देना है। उसके बाद में इसका आपके पास एन फैक्टर यहाँ डिस्कस करूँगा किसने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस या गेन किए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास 2018 का, अच्छा क्वेश्चन है आपके पास आया हुआ क्वेश्चन है, तो हाउ मेनी शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग, ये फ्राइडे पे ये क्वेश्चन आपके पास जो फ्राइडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आप लोग पढ़ के आए हैं उनसे रिलेटेड मैं जेई मेंस के AIPMT क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, CBSE के मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे। इसमें आपके पास क्या, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा इसमें, और कुछ नहीं है, बाकी आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। हाउ मेनी शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट एंड सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज कैन कम्प्लीटली बर्न 27.66 ग्राम डाइबोरेन एंड एटॉमिक वेट दे रखा है डाइबोरेन का 10.8। ये सिमिलर क्वेश्चन जैसा उन्होंने दिया था वैसे ही मैंने आपको दे दिया। अब मुझे यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है भाई टाइम फाइंड आउट करना है कि भाई इतने टाइम में मेरे पास एक रिएक्शन बनी है, इसने कह रहा डाइबोरेन को ऑप्शन आपके पास दे रखा है 6.4, 0.8, 2.3, 2, 1.6। तो अगर क्वेश्चंस को देखो ना ऑप्शन को, तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग एक सिलेक्टेड फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और मुझे पता है कि अगर मेरे को वेट निकालना हो तो मेरे पास एक फार्मूला था क्यू इंटू में मोलर मास 96,500 और वैलेंसी, याद है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्यू से भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा क्योंकि मेरे को आई निकालना है, तो क्यू से मैं आई आपके पास फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे। तो आप कहोगे सर आपके पास आई इंटू में टी इंटू में आपके पास मोलर मास किसका आपके पास हम लोग यूज़ करेंगे सब्सटेंस का, तो मेरे पास क्या निकालना है, मुझे आई निकालना है सॉरी टाइम निकालना है मुझे। आई मेरे पास गिवन है 100 एम्पियर, मोलर मास में फाइंड आउट कर सकता हूँ, वेट आपके पास निकाल सकते हैं, वैलेंसी आपके पास गिवन होगी। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे, तो आपको पता है कि सर मेरे पास डाइबोरेन था और डाइबोरेन को मैंने हीट किया कम्प्लीटली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या मिला, बोरिक एनहाइड्राइड और प्लस में आपके पास वाटर। बैलेंस कर लेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये ओवरऑल बैलेंस हो गया। तो स्टोकियोमेट्री के अलावा अगर बात करें तो 1 मोल आपके पास डाइबोरेन है, इसको कम्प्लीटली बर्न करने के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जो आपके पास क्या दे रहा है इतना इतना अमाउंट ऑफ क्या बोरिक एनहाइड्राइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे ये निकालना है कि सर ये जो रिएक्शन कंप्लीट हुई ना उसमें कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, जबकि करंट आपके पास कितना दे रखा है वहाँ पे 100 एम्पियर का करंट वहाँ पे अप्लाई हुआ है, राइट। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आपका काम होगा आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे किसके, ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल है 3 इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके डाइबोरेन के, तो 3 इंटू में डाइबोरेन का क्या होगा गिवन मास 27.66 मोलर मास 27.66 मोल कितने आ गए 3। अब मुझे ये पता लगाना है कि भी आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन
भाई जो मास ऑफ ऑक्सीजन डिपॉजिट हुआ है वो कितना होगा, फिर मोल्स तो निकल गए, मास ऑफ ऑक्सीजन डिपॉजिट हुआ है तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो डिपॉजिट हुआ है वो होगा आपके पास 3 × 32, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिपॉजिटेड। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिपॉजिट कितना हो गया 3 × 32, और आई आपके पास 100 हो गया, टाइम आपको निकालना ही है, मोलर मास आपके पास 16 हो गया एक ऑक्सीजन का, उसकी वैलेंसी आपके पास 2 हो गई, ये 9650 हो गया, राइट। इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो 3 को इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 96 9650, और 2 नीचे आ जाएगा 100 और इंटू में 16, तो यहाँ से आपके पास आएगा 20 से 20 कैंसिल, ये आपके पास 8 हो गया, यहाँ से आपके पास इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 11580 सेकेंड, तो ये आ गया मेरे पास टाइम कि ये रिएक्शन जो कंप्लीट हुई थी डाइवोरेन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन को लेके, तो उसके अंदर जो टाइम लगा वो लगा 11580 सेकेंड का। अब मुझे तो चाहिए किस में, आर में, क्योंकि यूनिट इसने चेंज कर दी। अब आर्स में निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि आर्स में क्या हो गया, आर्स के अंदर मिनट, और मिनट के अंदर क्या होगा सेकेंड, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपके पास 3600 से आपको इसको डिवाइड, मतलब आपके पास डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आएगा सीधा कितना 3.21 सेकेंड, तो ये आंसर होगा मेरा कि 3.21 सेकेंड, यानी अगर मेरे पास टोटल 11580 सेकेंड आए थे और उसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3600 सेकेंड से, तो मेरे पास राइट जो आंसर होगा, मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 3.2। अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादा है नहीं इसमें, कुछ आपके पास कॉम्प्लिकेशन आए नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें थी। अगर ये आप किसी को नहीं पता तो ये 11th का कंसेप्ट है, आप ध्यान भी रख सकते हो, आपको पता भी होना चाहिए हम लोग कैसे निकाल के आए थे। वेट ऑफ द ऑक्सीजन जो डिपॉजिट हुआ है उसको भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ये रहा, ये यही आपके पास है। ठीक है, और बाकी फार्मूला हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो, प्रैक्टिस करो फिर प्रॉब्लम देखते हैं।